बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी हियरिंग नॉर्मल हो, फिर उसने स्कूल जाना है, उसने पढ़ाई करनी है। तो कई दफ़ा बच्चे जो हैं जब वो अच्छा नहीं सुनते तो परफॉर्म भी अच्छा नहीं करते। बच्चों के साथ साथ जो वक्त गुजरता है बड़े भी होते हैं, जब बड़े होते हैं तो फिर उनको हियरिंग लॉस का इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है, वर्क लाइफ में भी, एजुकेशन में भी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी। पर एक स्टेज वो भी है जिसमें लोग 50 की दहाई से बड़े होते हैं, जब उससे ज़्यादा उम्र होती है तब फिर हियरिंग लॉस का इम्पैक्ट और भी ज़्यादा हो जाता है। वो इसलिए कि वो उनको आवाज़ आती है पर उनको लफ्ज़ समझ नहीं आते। आवाज़ चूँकि लो फ्रीक्वेंसीज पे होती है तो वो आ जाती है, हाई फ्रीक्वेंसीज पे चूँकि लॉस होता है बुज़ुर्गों में तो वो उनको समझ नहीं आती एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ में क्या मतलब है, यानी रैट बैट कैट हैट में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। वो उस वक्त तक नहीं समझते जब तक लोग उनसे फ़ेस टू फेस बात ना करें और करीब ना हो। जब आपके घर में ऐसे हालात हों जहाँ पे कि आपको टीवी ऊंचा करना पड़े, अपनी बात को बार बार रिपीट करना पड़े, या आपके बुज़ुर्ग ये कहते हों कि दोबारा बोलें, दोबारा कहें, साफ बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि उनको हियरिंग लॉस डेवलप हो रहा है। अगर हियरिंग लॉस किसी को डेवलप हो रहा है और एडल्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हैंडल किया जाए। दैट्स अ टाइम आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट से रजू करें और उनसे अपना टेस्ट करवाएं, उनकी ओपिनियन लें और वो जो लाए अमल आपको बताएंगे उस रास्ते पे आप चलें। अगर हियरिंग लॉस आपको हो तो आपका दिमाग वो कई बातें नहीं सुन रहा होता और कई लफ्ज़ नहीं सुन रहा होता है, और वक्त के साथ वो लफ्ज़ दिमाग की याददाश्त मेमोरी से चले जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है इस मेमोरी को फ्रेश करने के लिए कि उनको आवाज़ सुनाई दे। ब्रेन वॉन्ट्स वॉइस, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि वो सुने, और उनके सुनने के लिए ज़रूरी है कि वो ज़रूर जब उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाए, जब उनके सुनने के लिए उनको बार बार किसी को कहना पड़े कि रिपीट करो, तो उस वक्त आप उनका टेस्ट करें और जो रिहैबिलिटेशन में चीज़ें मौजूद हैं, हेयरिंग एड्स हैं, जो जिससे कि आप 90% ऑफ लोगों के हेयरिंग लॉस को रिकवर तो नहीं करते पर उसमें मदद कर सकते हैं। जिस तरह आंखें कमज़ोर होती हैं हम ऐनक लगाते हैं, इसी तरह जब कुव्वत-ए-समाअत कमज़ोर हो जाती है तो हम हियरिंग एड्स लगाते हैं।